पुलिस टैक्स की सचल दल टीम ने हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे के पास छापा मारा। इस दौरान यूपी की बसों से चोरी का माल लाया जा रहा था। स्टेशन के समीप मौजूद पुस्तकालय के पास से लंबे समय से ये खेल चल रहा है, लेकिन विभाग इस पर आंखें मूंदे बैठा है। मामले में सेल्स टैक्स सचल दल के असिस्टेंट कमिश्नर ने मोहम्मद कसीम ने बिना टैक्स दिए 1.5 लाख के समीप का माल जब्त किया, जिसे कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि बिल देखने के बाद करीब 16 नगद छोड़ दिए गए हैं। वहीं जो बिना बिल का माल था उसे जब्त कर लिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। करीब बाहर प्रांत बाहर उत्तराखंड के बाहर से करीब 15-16 नग आज हम चेकिंग कर रहे थे। यहाँ पर रोडवेज स्टैंड पर तो हमें नग दिखे हैं। ये कुछ रेडीमेड ज़्यादा दिख रहा है, कोई हार्डवेयर भी है और ऐसा छोटा मोटा सामान है। उसको हम चेकिंग जो बिल हैं वो हमने छोड़ दिए हैं, प्रॉपर चेक किया है, वो बिल के अनुसार पाएगा वो ठीक दिया। वो जो बिल से नहीं था उसको हम लेके जा रहे हैं अपने गोदाम पर, सेल टैक्स के गोदाम में। हमको उसको मूल्यांकन करेंगे, फिर बाद में पेनल्टी लगाई जाएगी। कितना माल होगा ये? करीब 15 नग थे जो बिल ओके पाएगा हमने छोड़ दिए, और करीब 1.5 लाख का माल हम लेके जा रहे हैं।